بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به يعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لائق تعظیم ارباب علم و دانش و صاحبان محبت و عقیدت گزشتہ جمعۃ المبارک بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنے کی وجوہات بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ دن منانا یہ کوئی عام برتھ ڈے نہیں ہے بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی لوگوں کو یہ اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں یہ کسی عام آدمی کا برتھ ڈے نہیں ہے یہ اپنے مانوی اعتبار سے یہ جتنی بھی لوگوں کو عظمتیں ملی ہیں یا جن عظیم لوگوں کے دن منائے جاتے ہیں ان سب کی عظمتیں ذات گرامی رسول کے قدموں میں ڈھیر ہیں لہذا اس کو برتھ ڈے نہ سمجھا جائے اس کو آپ کہیں تو آپ کہیں یہ انڈیپینڈنس ڈے ہے یہ آزادی کا دن ہے انسانوں کی آزادی کا دن ہے یہ دن برتھ ڈے ہی نہیں ہے یہ لیبرٹی کا دن ہے آزادی شخصی آزادی کا دن ہے یہ ہے ڈے آف بیسک ہیومن رائٹس بنیادی انسانی حقوق کا دن ہے یہ دن یتیموں کی کفالت کا دن ہے یہ دن دکھ درد کے ماروں کے سہارے کا دن ہے یہ دن مزدور کی تکلیف اور اس کی دکھ درد کو محسوس کرنے کا دن ہے یہ دن شہنشاہیت کے خاتمے کا دن ہے اس دن کو ایک عام دن کی طرح سے جس طرح ہم اپنے بچوں کا دن بناتے ہیں یہ اس طرح کا دن نہیں ہے اس دن میں ہزاروں برکتیں ہیں اور یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے اور یہ ایک دن نہیں اگر ہمیں توفیق اللہ عطا فرمائے تو یہ مہینہ پورا منائیں بلکہ ہم وقفے وقفے سے یہ دن مناتے رہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی تاریخ عالم میں مثال کوئی نہیں ملتی اور گزشتہ سے پیوستہ جو میں ہم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ توحید کی تعلیم حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سب انبیاء نے دی ہے حضرت عیسیٰ کے حواری بھی توحید کی تعلیم دیتے رہے مگر توحید کی تعلیم کو اس شجر توحید کو جو جڑیں رسول اللہ نے عطا فرمائی وہ اس سے پہلے نہیں عطا ہو سکی اس کو رسول اللہ نے اتنا
गहरी जड़ें देके इस दरख्त को तौहीद के दरख्त को इतना मजबूत कर दिया कि क्यामत तक अब इस तौहीद के इस दरख्त को न कभी खजां आएगी न ये दरख्त कभी जड़ों से उखड़ सकेगा। और सिर्फ यही नहीं कि बुतों की परस्तिश से लोगों को हटा के खुदा के सामने झुका दिया, ये सिर्फ मूर्तियों की परस्तिश से ही नहीं हटाया, हाथ के बने हुए बुतों की परस्तिश से नहीं हटाया, बल्कि इसके अलावा जिंदा बुतों की परस्तिश से भी हटा दिया। ये जो बुत जिनके आमतौर पर अरब पूजा करते थे, आज भी हिंदू जिनकी पूजा करते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हाथ की बनी हुई मूर्तियों की पूजा की जाती है, ये बुत भी इंसान की आकबत को बर्बाद करने वाले हैं, मगर इन बुतों का वो जबर नहीं है जो जिंदा बुतों का जबर है। अरब भी इन बुतों के सामने जो सजदा रेज होते थे, आज जो लोग सजदा रेज होते हैं अपनी ख्वाहिश से होते हैं, ना ये बुत किसी को कत्ल करता है, ना किसी का माल मारता है, ना ये किसी को मजबूर करता है, ना किसी के बुनियादी हुकूक सल्ब करता है, ये तो लोग खुद ही अपनी हिमाकत और अपनी बेवकूफी की वजह से अपने हाथ से बने हुए बुतों के सामने झुकते हैं, वरना बुतों ने किसी को मजबूर तो नहीं किया। इसलिए अहले अरब भी जो बुत परस्ती करते थे वो पांच दफा बुतों से नाराज भी हो जाते थे। तारीख में ऐसे वाकया मौजूद हैं कि एक शख्स के बाप और बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया और वो बुत के सामने गया कि मैं कुरा अंदाजी करूं, फाल डालूं कि मैं बदला लूं या ना लूं। वो उनका एक खास अंदाज होता था कुरा डालने का। उसने कुरा डाला तो बुत पर जो कुरा पड़ा वो उसमें आया कि नहीं बदला ना लो, तो बुत को गाली देने लगा कि अगर तेरा बाप और तेरा भाई मारा जाता तो ये कुरा ना निकालता, बेगैरत जो कि ये मेरा बाप मेरा भाई मारा है इसलिए ये कुरा ना निकाल रहा है। वो बात दफा मनते मानते थे और वो मनते पूरी नहीं होती थी, जाके बुतों पर जूते भी बरसाते थे। ये भी कैफियत थी, ये बुत परस्ती भी इंसानियत के माथे पर एक दब्बा और ये इंसानियत के दामन पर एक दाग थी। मगर इससे ज्यादा जो खतरनाक किस्म के बुत थे वो जिंदा बुत थे। वो जिंदा बुत कौन से थे? वो जिंदा बुत हुक्मरान थे। तारीख आलम पर एक मुख्तसर नजर आप डालें तो आपको अंदाजा होगा कि इन मुर्दा बुतों के मुकाबले में जिंदा बुतों ने जितना इंसानियत को सताया, जितना इंसान का खून जिंदा बुतों ने बहाया। बुत मैं इस माने में कह रहा हूं कि इनकी भी पूजा वैसे ही होती थी जिस तरह मुर्दा बुतों की होती है। तारीख आलम पर एक मुख्तसर सा आप तायराना नजर डालते हुए आगे बढ़े तो आप देखेंगे हर जगह इंसान इंसान से इबादत कराता था, इंसान इंसान से इबादत कराता था, इंसान इंसान की इंसानियत को तहकीर और तजलील की नगाह से देखता था। आप अगर बहुत पीछे भी जाएं तो ईरान से चलें, रोम से होके अरब के सरजमीन में दाखिल हो, हर जगह आपको ये कुछ नजर आएगा। ये जो ईरान मौजूदा ईरान है इसकी जो बुनियादें हैं ये पारसियों के ऐद से हैं। पारसियों का ऐद जो तारीख में हमें मिलता है उसमें भी सात कबीले थे, दो कबीले हुक्मरान थे, दो कबीले ताज पहनाते थे, बाकी कबीले उनकी खिदमत करते थे, लश्कर जमा करते थे, उसके अलावा जो बाकी होते थे वो सब मजदूरी करते थे। ये पारसियों के ऐद की बात है। और पापक नामी जो इस पारसियों के ऐद का हुक्मरान था उसकी अपनी औलाद नहीं थी, नरीन औलाद नहीं थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि उसके चरवाए सासान के सर से सूरज लो हो रहा है, तो उसने उस जमाने के कायनों से पूछा तो ताबीर ये बताई गई कि इसको इक्तदार मिलने वाला है। तो उस पारसियों दौर के हुक्मरान पापक ने अपनी बेटी का निकाह एक अपने चरवाए से किया, सासान से किया और हुकूमत भी उसके सुपुर्द कर दी। इन सासानी खानदान ने एक अरसा ईरान पे हुकूमत की और ये नौशीरवान भी इसी सासानी खानदान से था। नौशीरवान का अदल मशहूर है, आज भी लोग कहते हैं नौशीरवान आदिल बादशाह था, मगर उसका अदल ये था कि एक तरफ अपने महल की जब वो तोसी करने लगा तो सामने एक बुढ़िया की कोठड़ी आ गई तो उसने अपने महल का रुख थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। एक तरफ ये इंसाफ था, मगर अपने इक्तदार को खतरे से निकालने के लिए उसने सगे सत्रह भाइयों को कत्ल भी कराया। ये उसी दौर की बात है। इसी में आगे खुसरो परवेज आया,
और जो खुसरो परवेज जब उसने जस्टिनन रोम को खत लिखा तो उसमें लिखा कि खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा, जमीन का मालिक खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा, ये वो लोग थे कि इन्होंने अपने आप को खुदा बना दिया। तो सासानी ये कहते थे कि हमारा जो खानदान है इसको हुकूमत जो मिली है वो आसमानों से मिली है, लिहाजा हमारी इत्तबा नहीं बल्कि हमारी इबादत की जाए, हमारे सामने लोग सीधा रेज हों। और किसी शख्स को जबान खोलने की इजाजत ना थी कि कोई किसी की बात पर तनकीद कर सके। इसी दौर में एक शख्स के चार बेटों को जब लड़ाई के लिए भेजा गया तो उसने दरखास्त की कि पांचवें बेटे को मेरे पास छोड़ दिया जाए। तो बादशाह ने कहा अच्छा मेरे सामने तुम जबान खोलते हो, इस बेटे के दो टुकड़े कर दिया जाए, इसको रास्तों में लटका दिया जाए ताकि लोगों को महसूस हो कि बादशाह जो आसमानी बादशाह का नुमाइंदा है उसके सामने इतराज कैसे किया जाता है। ये वो दौर था कि जिसमें अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए यही दौर चल रहा था। उधर जाएं तो बड़ी पावर थी जो रोम की पावर थी, ये शुरू हुई थी यूनान से। यूनान की जो हुकूमतें स्पार्टा और एथेंस की जो हुकूमतें थी, कहा जाता है कि ये हुकूमतें बड़ी इंसाफ वाली थी, मगर इसमें भी तीन तबके थे, बादशाह, उमरा और गुलाम। और अरस्तो जैसे फिलासफर ने जिसका दुनिया में उसकी विजडम और उसके इल्म और उसके नॉलेज पर दुनिया को बड़ा नाज है, बिलखुसूस मगरब को, अपनी किताब सियासत में लिखता है कि गुलाम ऐसा ऐसी मखलूक है कि जिसमें कोई इंसानियत वाली हिस नहीं है। गुलाम एक ऐसी मखलूक है कि जिसमें इंसान वाले जज्बात और हिस नहीं है। इसी तसलसल में आगे जब रोम की हुकूमत कायम हुई, रोमा की अजीम रोमा की हुकूमत कायम हुई, तो इसका जूलियस सीजर जो हजरत ईसा की पैदाइश से एक सदी पहले इसका दौर है, ये इतना ज़हीनी इंसान था कि जिसने आज जो हमारा कैलेंडर है ईसवी कैलेंडर 365 दिन का, ये उसने इजाद किया था। और चार साल के बाद एक दिन का इजाफा भी किया ताकि कैलेंडर मुतासर न हो। इस तरह का इतना ज़हीन फतीन बादशाह, मगर इसने खुद ये कानून पास कराया कि मेरी प्रस्तुति सिकंदर आजम रोमी की तरह से, यूनानी सिकंदर आजम की तरह से मेरे सामने लोग सीधा करें और बतलीमूस मिस्री की तरह से लोग मेरी इबादत करें। यही सूरत यार हर तरफ थी। ये जो चाइना है जो आज एक सुपर पावर बन रहा है, इसकी बुनियाद भी ऐसी थी। कन्फ्यूशियस ने कहा कि बादशाह खुदा और बंदू के दरमियान राबते का जरिया होता है, ये आसमानी नुमाइंदा होता है, इसकी किसी बात पर एतराज नहीं हो सकता। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उस जमाने में सिर्फ हाथ की बनी हुई मूर्तियां वो इंसान की तजलील नहीं कर रही थी, बल्कि जिंदा बुत थे बादशाह। जिंदा बुतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीन लेके तशरीफ लाए कि रसूल ने फरमाया हलाका कैसर वला कैसर आबादा, फरमाया हलाका किसरा वला किसरा आबाद, कहा कैसर भी हलाक होगा किसरा भी, इस दीन के नतीजे में कैसर और किसरा दोनों हलाक होंगे, मगर इसके बाद क्यामत तक दूसरा ना कैसर होगा ना दूसरा किसरा होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, एक अजीम इनकलाब रसूलुल्लाह बर्पा करने की तशरीफ लाए। और रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो आपने आ करके सबसे पहले ये नस्ली तफाखर खत्म किया। और कुरान में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज हैं, कुल इन्नमा अना बशरु मिस्लुकुम, अल्लाह के रसूल ने कुरान के जबान में ऐलान किया, ऐलान फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह से इंसान हूं। हालांकि बशरियत का प्रोपेगंडा सबसे पहले ये रसूलों के दुश्मनों ने किया, वो रसूलों से कहते थे तुम में और हम में फर्क है, तुम भी तो इंसान हो हम भी इंसान हैं। मगर चूंकि एक हमेशा के लिए इस बात को जहन से निकालना था कि जो भी हुक्मरान हैं या रसूल हैं वो खुदा के बंदे हैं, वो खुदा के बंदे हैं, उनकी परस्तिश नहीं हो सकती, अब इबादत किसी की नहीं होगी, खुदा वाद और ला शरीक की इबादत होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यू है लैया, मैं ऐसा इंसान हूं जिसकी तरफ वही की जाती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं की जाती, ये फर्क मौजूद है। लेकिन कहा मैं भी इंसान हूं, अब वो तसव्वुरात हमेशा के लिए मिट जाएंगे कि कोई बंदा खुदा छोड़ के बंदे के सामने झुके। और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे या रसूलुल्लाह तस्जुदु लकल बहाइम वल अशयार व नहनु अहक
कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं कि आप जिधर से चलते हैं ये दरख्त आपके सामने सीधा रेज हो जाते हैं, हम देखते हैं कि ये चौपाएं आपके सामने सीधा रेज होते हैं, आप हमें इजाजत दें तो हम भी आपको सीधा करें। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, फरमाया किसी इंसान को सीधा रवा नहीं, अगर सीधा रवा होता तो मैं औरतों को कहता, बीवियों को कि अपने शोहरों को सीधा करें, लेकिन फरमाया खुदा के अलावा किसी को सीधा नहीं हो सकता। बुनियाद और अल्लाह के रसूल ने उखाड़ कर रख ली, और जो नस्ली तफाखर था, जब फतेह मक्का हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर कुरैश इन्नल्लाह अधाबा अनकुम नखवत अल्जाहिलिया व तादम बिल आबा, कहा कुरैश अल्लाह का एहसान है कि तुम्हारे अंदर जो जाहिलियत की बात थी कि तुम अपने आबाओ अजदाद पर फख्र करते थे, आज के दिन खुदा ने तुम में से वो जाहिलियत की रस्म खत्म कर दी है। फरमाया अन्नासु मिन आदम व आदम मिन तराब, कहा तमाम इंसान आदम की औलादे हैं और आदम मट्टी से हैं। फरमाया ला फल्ला ले अरबीन अला अजमीन वला ले अजमीन अला अरबीन वला ले अबयदा अला अस्वदा वला ले अस्वदा अला अबयदा इल्ला बितक्वा, कहा अब किसी इंसान को किसी पर कोई फजीलत नहीं है, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर, न सफेद को काले पर, न काले को सफेद पर, कोई किसी की फजीलत नहीं है। और ये एक इतनी बुनियादी बात थी कि नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जिन लोगों ने आज तक काम किया है, ऐसा काम रूए जमीन पर कोई नहीं कर सकता। मैंने मिलाद के मौके पर भी ये बात गुजारिश की थी कि आज नस्ली इम्तियाज के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने काम किया, बड़े बड़े नाम हैं, नेल्सन मंडेला का नाम लिया जाता है, मार्टिन लूथर का नाम लिया जाता है कि उसने नस्ल इंसानी की वहदत का दर्श दिया, नस्ली तफरीक के खात्मे की तहरीक चलाई। लेकिन ये बात मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये वो लोग थे कि नस्ली इम्तियाज खत्म होता था तो फायदा इनकी कौम को पहुंच रहा था। इसको जहन में रखो, जिस बुनियाद पर लोगों को नोबल इनाम दिया गया कि ये बड़ा काम है दुनिया में कि नस्ली इम्तियाज के खात्मे के लिए कोशिश की गई है, उन्होंने नस्ली इम्तियाज जो खत्म किया उसमें फायदा उनकी नस्ल को पहुंचा, और अल्लाह के रसूल ने जो नस्ली इम्तियाज खत्म किया इसमें नुकसान खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले को हो रहा था। चूंकि अरबों को अजमियों पर फजीलत हासिल थी, और उसमें कुरैश को सारे अरबों पर फजीलत, और फिर कुरैश में बनू हाशिम को सारे कुरैशियों पर फजीलत, और रसूलुल्लाह का ताल्लुक बनी हाशिम से, अगर ये फजीलत कायम रहती तो रसूलुल्लाह के कबीले को फायदा था, ये फजीलत खत्म हुई तो सारी इंसानियत को फायदा पहुंच गया। उन्होंने अपने कबीले के लिए नहीं जंग लड़ी, उन्होंने इंसानियत के लिए जंग लड़ी। इसलिए अरबों ने अपनी इजारादारी यूं कायम की हुई थी कि अरबों का दस्तूर यह था कि जो शख्स हज करने आता, उस जमाने में नंगे हज का भी एक तस्वर था, वो इसलिए होता था कि कुरैश ने यह रस्म डाल दी थी कि जो लोग बाहर से आते हैं उनके कपड़े साफ सुथरे नहीं हैं, वो आएंगे जिसको कुरैश कपड़े देंगे वो कपड़े पहन के हज करेगा, बाकी लोग नंगे हज करेंगे। इंसानियत की तहकीर भी थी, तजलील भी थी, अपनी खानदानी बरतरी भी थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को आपने हज वक्त का सरबना बना के भेजा तो कहा आज के दिन से इस साल से कोई आदमी नंगे हज नहीं कर सकेगा, हर शख्स एराम में हज करेगा। अब ये तफरी खत्म हो गई कि जिसको कुरैश लबास दे वो तो लबास पहन के हज करे, और जिसको कुरैश लबास ना दे वो नंगे हज करे, ये नहीं हो सकता। ये तफरी खत्म हुई, इस तफरी के खात्मे के लिए कोशिशें तो सबने की, इस तफरी के खात्मे के लिए कोशिशें किसने नहीं की, सारे अंबिया इकराम ने ये कोशिश की कि इंसानों के दरमियान रंग और नस्ल की बुनियाद पर तफरीक ना हो, मगर ये कामयाबी नहीं हो सकी। यही कोशिश करते हज़रत मूसा अलैहि सलाम सारी उम्र यही कोशिश करते रहे, हज़रत ईसा अलैहि सलाम को तख्ताए दार तक ले जाया गया, कोशिश यही थी कि इंसानों के दरमियान जो मस्नूई इम्तियाजात हैं वो खत्म हो जाएं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ ऐलान फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम,
अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ऐ लोगो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुउबन व कमाइला, हमने तुम्हें तुम्हारे शोबे बरादरियां और कबीले बनाए, लितअरफू, ताकि एक दूसरे को पहचान सको। लेकिन फरमाया ये कोई अजमत की बात नहीं है, इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम में से खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला शख्स वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी है। अब वो कबीलों की सियासत खत्म हो गई, जो आसमानी बादशाहों के नुमाइंदे थे वो सियासतें हमेशा के लिए खत्म। अब कोई आसमानी बादशाह का नायब नहीं है, सारे बंदे बराबर हैं। अब इंसान का तौल किरदार की बुनियाद पर होगा, इंसान की कदर और कीमत उसके तकवे और इखलास की बुनियाद पर होगी। ये कोई मामूली बात न थी, ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए गैर मुस्लिम भी ये कहते हैं, पंडित जगन्नाथ आजान ने कहा, हकीकत की खबर देने बशीर आया नजीर आया, शहनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। ये ऐसे आए कि लोगों को इब्तदा में ये तमीज नहीं हो रहे थी कि ये कोई बादशाह हैं या नबी हैं, चूंकि इनकी जात में दोनों चीजें जमा हो रही थी, बादशाहत भी नजर आ रही थी, रसालत का मजहबी पहलू भी था। और इसी बात का एतराफ बिस्वर स्मिथ ने किया है, वो जो दुनिया के हीरोज का जिक्र करता है और जहां वो दुनिया के अजीम लोगों का जिक्र करता है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है। और वो ये कहता है कि इनकी जात में कैसर की जात भी है और पोप की जात भी है। कैसर और पोप उस जमाने में रोम के दो किरदार थे, एक हुक्मरान कैसर था, दूसरा मजहबी क़यादत वो पोप के हाथ में थी। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में दोनों चीजें नजर आ रही हैं, मगर कहा कि कैसर की तरह से इनके पास कोई लश्कर नहीं है, इनका कोई पहरेदार नहीं है, इनकी कोई बाकायदा फोर्स नहीं है, और इसी तरह से पोप की तरह से इनकी जागीरें नहीं है। ये ऐसा हुक्मरान है कि जिसके घर में कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता। हुक्मरानी का ऐसा अंदाज बदला। अदी बिन हातम कहते हैं, ये कबीला तय के सरदार हातम ताई के बेटे हैं। इनकी बहन जब यमन का इलाका फतह हुआ, इनकी बहन भी कैद होके आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक खातून है, सर से नंगी है, कहा ये किसकी बेटी है? कहा ये अदी, ये हातम ताई की बेटी है। रसूलुल्लाह ने अपनी चादर रहमत वाली उठा के उसके सर पे रखी, अपनी चादर वो हातम ताई की बेटी के सर पे रखी। ये बेटी को इज्जत से वापस यमन भेजा। यमन जाके उसने अपने भाई अदी को बुलाया और कहा कि तुम क्यों अपना इलाका छोड़ के भाग गए हो, तुम जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो तो सही। वो जाबिर बादशाह नहीं है, मैंने उनके किरदार में कुछ और ही अजमत देखी है। जिस प्यार से उन्होंने मुझे अलविदा किया, जो मेरी हया का उन्होंने ख्याल किया, तुम उनके पास जाओ। अदी कहते हैं मैं आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए और आगे एक खातून आ गई बूढ़ी सी, उसने आकर रसूलुल्लाह को वहां खड़े कर दिया। आप उसकी सारी अर्ज सुनते रहे। जब काफी देर गुजर गई तो मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स बादशाह नहीं है, ये रसूल है। बादशाहों की अदाएं हमने देखी हैं, बादशाह वो हैं कि जिनका चेहरा देखने के लिए लोग तरसते थे, कई कई दिनों तक को लोग इंतजार करके बादशाह को देख नहीं पाते थे। ये बादशाह हैं, ये वो हैं जिनकी दिलों पर बादशाही है, दिलों पर हुक्मरानी है, मगर इनका अंदाज हुक्मरानी जुदागाना है। कहा फिर मुझे साथ ले गए, अपने घर में ले गए। आज जो हमारे वीआईपीज हैं उनकी चेयर पर कोई आदमी कभी नहीं बैठ सकता। वीआईपीज की ये तो सदर वजीर आजम तो दूर की बात है, एक मिनिस्टर की चेयर पर बैठना ये शायद आदाब के भी खिलाफ हो और इस बात की इजाजत भी नहीं होती। मगर अल्लाह के रसूल के घर में मेहमान आया, अभी काफिर है। कहते हैं रसूलुल्लाह का जो गद्दा रखा हुआ था जिसमें आप तशरीफ फरमा होते थे, वो मेरी तरफ बढ़ा के मुझे बैठा दिया, खुद अल्लाह के रसूल नीचे बैठ गए। जब अल्लाह के रसूल नीचे बैठ गए तो मुझे यकीन हो गया कि ये बादशाह नहीं है, ये रसूल है। उसी वक्त मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो
अल्लाह के रसूल जो दीन लाए वो ऐसा दीन था कि जिसने सारे अंदाज तब्दील कर दिए। इससे पहले बादशाह जिसको चाहते कत्ल करा देते, जिसको चाहते उसको कैद में डलवा देते, जिस पे चाहते जो जुल्म कर लेते, मगर अल्लाह के रसूल ने बावजूद इसके कि उनको मोमिनों की जानों पर इतना इख्तियार हासिल है जितने मोमिनों को खुद भी हासिल नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने फरमाया अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उन पर हक रखते हैं। मगर इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों से ये कहते थे कि किसी को मुझसे तकलीफ पहुंची हो मुझसे बदला ले लो। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जिनका इंशाल्लाह आइंदा हम तज़किरा करेंगे कि अल्लाह के रसूल ने हुक्मरानी का अंदाज बता दिया कि वो इमामुल अंबिया हो करके इस मर्तबे पर फायज होने के बावजूद खुदा के रसूल अगर मामूली किसी को तकलीफ पहुंचती थी तो खुदा के रसूल उससे कहते तुम मुझसे बदला ले लो। बदर का मौका है, सफे सीधी की जा रही हैं, एक शख्स सबसे बाहर निकल गया, रसूल अल्लाह ने फरमाया इस तवे या सवाद अपना नेजा मार के पीछे, कहा सवाद सीधे हो जाओ। अब सवाद सीधा तो हुआ लेकिन कहा औ जातनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकद बाथ अकल्ला बिल हक वल अदल, कहा या रसूल अल्लाह आपकी इस ठोकर से मुझे तो तकलीफ पहुंची है, अल्लाह ने आपको हक के साथ और इंसाफ के साथ भेजा है, औ कितनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप मुझे बदला दें, ये कोई बदले का मौका है, इधर 313 उधर 1000 हैं, ये इस्लाम और कुफर का पहला मार्का हो रहा है, हुआ क्या? सिर्फ इतना इशारा करके कहा इस तवे पीछे हो जा। वो शख्स कहता है या रसूलल्लाह बदला दो, खुदा के रसूल ने ये नहीं कहा ये बदले का मौका नहीं है, यहाँ तलवारें चमक रही हैं, ये इस्लाम और कुफर के दरमियान शायद पहला और आखिरी मार्का हो सकता है, ये बदले का मौका नहीं, कहा हाँ बदला ले लो, कहा पहले बदला होगा उसके बाद आज गज़वाए बदर का ये मैदान कारजार गर्म होगा, पहले बदला होगा। उसने कहा यार रसूलल्लाह जब आपने ठोकर लगाई थी तो मेरी तो नंगी थी, मेरा पेट नंगा था, पेट नंगा होगा तो बदला होगा। अल्लाह के रसूल ने अपना कुर्ता मुबारक ऊपर उठाया, वो आगे बढ़ा और चूम लिया, कहा ऐसा क्यों किया? कहा या रसूलल्लाह मौत मेरे सामने मचल रही है, मैंने कहा किसी बहाने से मैं आखिरी वक्त में खुदा के रसूल के जिस्म से अपने जिस्म को मस कर लूंगा। वो सवाद का मामला जज्बा तो अलग था मगर जो बात वो कह रहा था, खुदा के रसूल ने कुर्ता मुबारक ऊपर उठा के बदले के लिए अपने आप को पेश कर दिया। वो जिसने ऐसा दुनिया में निजाम पेश किया उसका दिन ना मनाया जाए तो किसका दिन मनाया जाए? आज जरूरत इस अमर की है कि उनके इस पाकीजा नमूने को हम दुनिया के सामने पेश करें, हम बताएं कि इस दौर में भी ऐसा कोई हुक्मरान, क्या किसी दौर में कोई हुक्मरान नहीं हो सकता? लिहाजा ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा के जमाने में, चूंकि जिस तरह हम ये खुशी का इजहार करते हैं उस जमाने में खुशी का इजहार नहीं हुआ, तो ये चीज दुरुस्त नहीं है, ये बात फी नफ्से ही सही नहीं है। मैं एक मसला अर्ज करके आज थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, चूंकि कई लोगों को पता नहीं है कि आज हमारा जुमे का टाइम पहले है, इसलिए 5-5 मिनट करते इंशाल्लाह इसको हम पीछे ले जाएंगे, 1:20 पे इंशाल्लाह हमारा बयान खत्म हो जाया करेगा। मसला ये है कि ये जो हम इस वक्त नियत करते हैं, कौन सी नियत करता हूं मैं इस नमाज की, पढ़ता हूं मैं खास वास्ता अल्लाह ताला के, या पहाड़ी में भी हम नियत करते हैं, ये नियत कहां से आ गई? एक इसका नियत का पता होना चाहिए कि ये नियत असल नहीं है बल्कि असल दिल का इरादा है। एक आदमी पूरे शौरी तौर पर यह समझता है कि वो जुमे की नमाज अदा कर रहा है, मगर उसने अदा करते हुए जबान से अगर नमाज जोर भी कह दिया तो उसको दोबारा सलाम फेर करके नई नियत की जरूरत नहीं, चूंकि नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। हाँ किसी को होश ना हो तो एक अलग बात है, अगर किसी इरादा जबान से कुछ लफ्ज और निकला, दिल का इरादा और है तो दिल का ही एतबार है। मगर मैं ये पूछता हूं कि क्या ये नियत रसूलुल्लाह ने की थी? नहीं की। सहाबा ने की? नहीं की। ताबेईन ने की? नहीं की। तमा ताबेईन, किसी ने ये नियत 300 साल तक ये किसी ने ये नियत नहीं की, तो बाद में ये नियत आई तो कि आज अगर कोई कहे कि नमाज के तकाजों को रसूलुल्लाह ज्यादा समझते थे कि तुम ज्यादा समझते हो, नमाज के तकाजों को खुलफाए राशिदीन ज्यादा समझते थे या तुम समझते हो, तो हम क्या कहेंगे? वो समझते थे, यकीनन हमसे बहुत बेहतर समझते थे, मगर बाद के जमानों में जब हालात तब्दील हो गए
उलमा ने देखा कि अब लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको खबर ही नहीं होती कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ये अपनी जबान में नियत कर लें ताकि कम से कम थोड़ी सी तवज्जो तो नमाज की तरफ हो जाए। उसी जमाने में मिलाद का सिलसिला भी शुरू हुआ। सहाबा का जमाना ताबेईन का वो है जिसमें कसरत से रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है, कसरत से शब रोज जिक्र हो रहा है। जमाना आगे बढ़ा तो महसूस किया कि जो जो जमाना आगे बढ़ता जा रहा है अब रसूलुल्लाह का जिक्र कम होता जा रहा है, तो ऐसा एहतमाम किया जाए कम अज कम उस माह में जिसमें रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह का इतना कसरत से जिक्र हो कि लोगों के दिलो दिमाग में रसूलुल्लाह की यादें ताजा हो जाएं, रसूलुल्लाह की सूरत और सीरत सामने आ जाए। यही असल मुद्दा था और यही बात है जिसका तज़किरा छठी सदी के मुहद्दिस कहते हैं, ला ज़ाला आलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्र व सायर बलाद अल अर्ब मिन अल मशरिक इल अल मगरिब, कहां हरमैन वाले, मशरिक वाले, मगरिब वाले, मिस्र वाले, शाम वाले वो रसूलुल्लाह के तशरीफ आवरी के महीने में खुशी का इजहार किया करते थे। लिहाजा इसीलिए हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह जी जो निजाम लेकर के आए वो इतना उम्दा, पाकीजा, इतना बड़ा इनकलाब है कि ऐसा इनकलाब रूए जमीन पर अब नहीं आ सकता। इसलिए किसी ने कहा सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सारा निजाम अल्लाह के रसूल ने तब्दील किया, ये बादशाही का निजाम ही नहीं किया, ऊपर से नीचे तक सारा निजाम तब्दील कर दिया। इसी तब्दीली के चर्चे का नाम मीलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।